દાદરાનગર હવેલી જિલ્લા પંચાયતના નવા ચૂંટાયેલા સભ્યોને શપથ ગ્રહણ સમારોહ યોજવામાં આવ્યો હતો. જિલ્લા પંચાયતના ચીફ ઓફિસર એચએમ ચાવડા દ્વારા નવા ચૂંટાયેલા સભ્યોને શપથ ગ્રહણ કરવામાં આવ્યા હતા, જેમાં જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ તરીકે નિશા સુનિલ વવર અને ઉપપ્રમુખ તરીકે દીપક પ્રધાનની વરણી કરવામાં આવી હતી. मुझे बहुत खुशी है आज कि मेरे चुने हुए जो दादरा नगर हवेली के 20 जिला पंचायत सदस्य हैं उन्होंने मुझे जिला पंचायत उपाध्यक्ष के रूप में चुना है, तो मुझे बहुत खुशी है और मेरे सारे जिला पंचायत सदस्यों का मैं आभारी हूं. हमारे जो सुप्रीमो, हमारे पार्टी के जो सुप्रीमो आदरणीय श्री मोहन भाई ढिलकर, उनका और उनके परिवार का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे यह बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जिला पंचायत उपाध्यक्ष के रूप में दी है. अभी यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है. मैं मेरे जो सुप्रीमो आदरणीय श्री मोहन भाई और मेरे सारे जिला पंचायत सदस्य और सारी जनता को यह कहना चाहता हूं, यह खातरी दिलाना चाहता हूं कि मुझे जो भी जिला पंचायत उपाध्यक्ष के रूप में जो भी जवाबदारी मिली है, वो सारी जवाबदारी को पूरी करने के लिए मैं मेरा पूरा 5 साल का जो ये पूरा जो भी मेरा टेन्योर का जो समय है, मैं पूरा समय उसमें लगा दूंगा, मेरी पूरी ताकत उसमें लगा दूंगा और लोगों को काम करने के लिए मैं कहीं पर भी पीछे नहीं हटूँगा. मैं यह कोशिश करूँगा कि जिला पंचायत और ग्राम पंचायत और लोगों के बीच एक ऐसा तालमेल रहे, दादरा नगर हवेली प्रशासन, जिला पंचायत और लोगों के बीच भी ऐसा तालमेल रहे कि सारे के सारे लोगों की सारी समस्या का समाधान तुरंत हो जाए, यह मेरा प्रयास हमेशा रहेगा. सबसे पहले तो मैं हमारे लोकप्रिय सांसद श्री मोहन भाई ढिलकर जी का दिल से आभार व्यक्त करूंगी कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, जिस जिम्मेदारी को मैं पूरी करने की भरपूर कोशिश करूँगी. और हमारे पार्टी के अध्यक्ष श्री धर्मेश चौहान जी को भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी. आगे हमको मोहन भाई जी ने बहुत कुछ किया है हमारे नगर हवेली के लिए, दादरा नगर हवेली के लिए, और हम भी आगे वही प्रयास करेंगे कि जो भी गांव है, विलेजेस है, उसमें हम भरपूर डेवलपमेंट करने की कोशिश करेंगे, एक मॉडर्न दादरा नगर हवेली